नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक स्लैब है, इसे स्लैब कहते हैं और ये यूज होता है आधार कार्ड सेंटर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थंब, मतलब ये पूरी 10 उंगली का निशान आप इसमें से स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो सिस्टम वो लोग जानते हैं जो लोग करते, तो ये है कोजेंट सिस्टम, ठीक है। कोजेंट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मॉर्फो का है, दूसरी कंपनी का भी आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे एक पोर्ट था जो कि प्रिंटर पोर्ट था, मतलब इसमें से डाटा इसका कनेक्टेड होता है यूएसबी केबल में और यूएसबी जाता है वो लैपटॉप या फिर पीसी में। और इसके बाजू में है दो पावर कनेक्टर, तो ये सब चल रहा है सही, पर इसका जो ये कनेक्शन टूटा हुआ है आप देख सकते हैं। और कल मैं तो वो मॉर्फो का जो आईडी स्कैनर था वो रिपेयर किए थे और एक बाकी है अभी, तो उसे भी करेंगे, पर उसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एक मिला है, तो एक ही सब्जेक्ट का दो वीडियो नहीं बनाऊंगा और दोनों का सेम प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बनाऊंगा। और ये अभी इसे रिपेयर करूंगा और ये जो प्रिंटर का पोर्ट है इसे चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसे खोलना होगा, मतलब ये जो कैबिनेट है ये कैबिनेट को आपको खोलना होगा और इसे खोलने के बाद उसको जो जो करना होगा आप देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपके पास ऐसा आ सकता है कोई डिवाइस और इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, आप इसका रिपेयर करके 2-2.5 हजार कोई भी जो मन चाहे मर्जी आप मांग सकते हैं, पर वो दे देगा क्योंकि ये जो डिवाइस है इसका प्राइस बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये देखिए एक स्विच है और यहाँ पे सी है, सी का मतलब हो सकता है कैंसिल है जो भी है, पर मेरे को नहीं पता इसके बारे में, फंक्शन के बारे में भी नहीं पता, पर मैं रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और रिपेयर करना ही पड़ेगा और आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इसका जो प्रिंटर पोर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये जो खराब हुआ है ऐसा जो ओरिजिनल पोर्ट होता है वो कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए एक प्रिंटर पोर्ट है जो कि मैं सोल्डरिंग कर लिया अभी क्योंकि ज्यादा टाइम मैं वेस्ट जब कर नहीं करूंगा, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके रखे थे। ये देखिए प्रिंटर पोर्ट जो कि बिल्कुल नया है और ये देखिए सीएल करके लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और मैं आपको एक बार लाइट जला के इसके अंदर का जो सेक्शन है उसे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है बराबर। तो गाइस अब इसे खोलेंगे और गाइस मैं इसके लिए ये दो स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल करूंगा, ये एक छोटा सा है ये एक बड़ा सा है, ठीक है। तो पहले छोटा सा करेंगे क्योंकि ये मेरे को बहुत आसानी होता है इसमें, तो इसमें जितना सारा स्क्रू है सबसे पहले इसे निकालेंगे, ठीक है। और ये मैं पहले कभी नहीं खोला था तो गलती हो सकता है, तो गाइस गलती माफ कर दीजिएगा, पर रिपेयर करने का तरीका मैं जरूर आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ओह माय गॉड कितना लंबा सा स्क्रू है आप देख सकते हैं। पर ये बाहर नहीं आ रहा है, तो इसे खींच के बाहर लाएंगे।
तो ये सब ओपन हो चुका है पर ये बाहर नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार ट्वीज़र से कोशिश कर लेता हूँ। ये बाहर आया है और इस साइड में भी एक है। पर ये अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। तो भाई जो बाहर नहीं आ रहा है तो उसे ट्राई नहीं करेंगे ज्यादा, और पहले इस साइड में भी दो स्क्रू है छोटा मोटा, तो इसे भी खोल लेंगे और खोल के देखेंगे किसके अंदर है क्या। ये देखिए पर इसे कैसे खोला जाता है। ऊपर की तरफ से तो इससे टाइट रहे हैं। तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये यहां से खोलेगा, ठीक है। तो गाइस ये यहां से खोल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसे धीरे धीरे करके खोलेंगे और ये अभी ओपन होने वाला है। गाइज ये अभी ओपन कर दिया मैं, आप देख सकते हैं। पर ये साइड अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ और इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, तो इसे साइड में रखेंगे। और इसमें बहुत कुछ है और ये काफी, मतलब इसका वजन बहुत ज्यादा है। और इसमें क्या है, बोर्ड है, कंट्रोलर बोर्ड है, बहुत सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ पे एक बोर्ड है, और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितना सारा बोर्ड है। तो ये सप्लाई का बोर्ड है, ठीक है।
तो सप्लाई का जो बोर्ड है इसमें एक दो स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पे एक तो तीन स्क्रू लगा हुआ है सप्लाई का जो बोर्ड है इसमें। पर सप्लाई का बोर्ड जो है इसे निकालने के लिए आपको ये जो स्लैब है मतलब ये ब्लैक कलर का इसे आपको बाहर निकालना होगा। और निकालने के लिए ये सामने दो स्क्रू है तो इसे आपको खोलना होगा बराबर। ये देख लीजिए एक बार, यहाँ पे एक स्क्रू है और यहाँ पे भी और एक, तो ये दोनों स्क्रू हम खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी एक एक है, देखिए आप। तो इसे खोलने के बाद इसे खींच के हम बाहर ला सकते हैं, पर ग्लू से लगा हुआ है। और सावधानी से कीजिए, तो गाइस ये टूट चुका है और इसे बाद में लगाएंगे। ये रिपेयरेबल नहीं था, मतलब रिपेयर करने लायक कोई जगह नहीं छोड़े थे कंपनी ने, पर हम लोग रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो गाइस ये बाहर आ चुके हैं। ठीक है, देखिए ये स्विच पैनल है तो इसे संभल के रखेंगे यहाँ पे। और रखने के बाद ये जो सप्लाई बोर्ड है मेन बोर्ड देख सकते हैं, एक दो तीन स्क्रू लगा हुआ है तो इसे खोलना होगा, वरना इसे आप नहीं खोल सकते है ना। तो ये मैं खोला पूरा का पूरा, और अभी ये कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पर वो डिस्कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो चलिए ये जो कनेक्टर है इसे पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और ये से भी डिस्कनेक्ट कर दिया, और इसे बाहर निकाल दिया। और ये देखिए
यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है। ये बहुत मेहनत करके इसे खोला और अब इसे खोलेंगे। ये जो लगा हुआ है प्रिंटर पोर्ट टूटा हुआ, इसे खोलेंगे। ठीक है, तो इसे संभल के हटा देंगे। और अब एक पुराना मदरबोर्ड के ऊपर रखेंगे इसे बराबर, और संभल के रखना होगा क्योंकि यहाँ पे एक आयो है, तो इस साइड को इधर रखेंगे। और तो ये आयरन से नहीं होगा, बेकार है, तो इसे ऐसे पकड़ेंगे और इसे ये उंगली से प्रेस करेंगे, लेकिन तब जब इसमें हीट दे रहे हैं, और देख के देना होगा क्योंकि बाजू में इसका छोटा मोटा आईसी भी लगा हुआ है। ठीक है, और ये बर्न हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं पहले बोला था कि ये रिपेयरेबल नहीं है, तो ये जो मेटालिक चीज था उसे तो मैं निकाल दिया, और अब इसे आयरन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए और फिर से यहाँ पे सोल्डर करना होगा आपको ऐसे। और ये ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसे एक बार क्लीन करेंगे,
Oh my god. Aste bolo. और अब ये नया वाला लगाएंगे। देखिए ये निकालने की वजह से ऐसे थोड़ा सा बांड हुआ है, पर ये सोल्डरिंग मैं बहुत ही अच्छे से किया, आप देख सकते हैं। ये मतलब कि कंपनी का सोल्डरिंग है और ये मेरा सोल्डरिंग है, तो दोनों में से अंतर ज्यादा कुछ नहीं है। और ये देखिए, और यहाँ पे भी किया मैं अंदर से ये वाला सोल्डरिंग, तो आप देखिए ध्यान से कि कितनी अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये बिल्कुल अच्छे से हुआ है, और ये पुराना वाला जो है तो इसे फेंक देंगे और अब इसे लगाएंगे।
और पहले स्लैब को ऐसे रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है कार्ड, तो कार्ड को ऐसे लगाना होगा आपको, और पहले फिट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये फिट हो चुका है और अब सब कनेक्शन जो है ये केबल का, तो इसे आपको सेट करना होगा। ये सेट हो चुका है और अब ये जो पेपर जैसा कनेक्शन था तो इसे लगाएंगे। और ऐसे लॉक कर देंगे, तो ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। और अब ये वाला जो कनेक्शन था तो इसे लगाएंगे, और ये लग चुका है। और ये छोटा वाला जो कनेक्शन है इसे भी लगाएंगे अभी। और यहाँ पे ये लाइट का कनेक्शन है, और इसका जो तीन स्क्रू हम लोग खोले थे तो इसे लगाएंगे। गाइस ये बिल्कुल हो चुका है, और ये कहाँ था, ये कहाँ से निकला है मेरे को मालूम नहीं है, पर निकला तो है जरूर। और सबसे पहले इसे लेंगे, ये जो पुर्जा है, ठीक है। और ये साइड, मतलब ये जो स्विच वाला साइड है ये उधर जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिट हो चुका है एकदम बराबर। और अब इसका जो छोटा स्क्रू निकाले थे हम लोग, उसे लगाएंगे, ये वाला। और ये अब बिल्कुल लग चुका है, ठीक है।
और ये पुर्जा एकदम टूट गए थे यहाँ से, तो इसे यहाँ पे सेट करके थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे, ठीक है। और ग्लू लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये एकदम इस कोने में और इस कोने में ज्वाइंट था थोड़ा सा, तो यहाँ पे लगा देंगे इसे और ये ज्वाइंट हो चुका है। और अब इसका जो बैक कवर है इसे डालेंगे। और ये अभी लग चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं रेडी, और मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा। सॉरी गाइस, मेरे हाथ में मॉइस्चर है ज्यादा तो ये काम नहीं कर रहा था। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हुआ है, ये वाला पोर्ट मैं चेंज किया। और एक बात, मैं दूसरा एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने जो आयरिस रिपेयर किए थे उसका एक वीडियो, ये देखिए मैंने खुद चेक किए थे, दिखाता हूँ मैं आपको। एक मिनट दीजिए मेरे को। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं चेक कर रहा था फिर से, देखिए ये मैं चेक कर रहा था
और यहाँ पे देखिए मशीन में मतलब यहाँ पे आयरिस का स्कैन हो रहा था, आप देखिए। ठीक है, ये देखिए मैं, ठीक है, ये देखिए। तो आयरिस का जो मैं रिपेयर किए थे तो वो बिल्कुल अच्छे से हुआ था और उसे मैं डिलीवरी भी कर दिया। ठीक है, देखिए। तो गाइस मैं पिछले वाले जो रिपेयर किए थे वो भी बिल्कुल सही हो चुके हैं और ये भी सही हो चुके हैं, पर मैं आपको चेक करके तो नहीं बता सकता क्योंकि ये चलता है एक अलग सॉफ्टवेयर से और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन होने के बाद ये काम करता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे आधार कार्ड जो करते हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत बड़ी सी दिक्कत की बात है कि ये हम रिपेयर तो कर देते पर चेक यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। तो गाइस इसके लिए हमको जाना पड़ेगा वो चेक करने के लिए जहाँ पे आधार कार्ड सेंटर है, तो वहाँ पे चेक करेंगे और दूसरी वीडियो में दिखा देंगे कि उसके पार्ट। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट्स कर दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।